हम सभी को मालूम है कि अभी मणिपुर में एक हिंसा चल रही है और मणिपुर के दो समुदाय के बीच, कुकी और मैताई के बीच ये विवाद है। अगर आपको इस बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है इस वायलेंस के बारे में, तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देखिएगा, आपको कुछ शायद पता चल जाएगा, यदि मैं समझा पाऊँ तो। लेकिन इसी सब वायलेंस के बीच मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है ट्विटर पर और उनसे ये हिंसा जो है और भड़क जाता है। 19 जुलाई 2023 की बात है, ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक कुकी समुदाय की दो महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ के द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया जाता है। यह घटना 4 मई 2023 की है, जो एक मैते महिला के बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हो गया था। पुलिस के सुने तो बताते कि कुकी समुदाय के दो पुरुष और 3 महिलाएं जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैते आदिवासी ने उस भीड़ में से उन्हें रोक दिया। दोनों पुरुषों को भीड़ ने मार डाला और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद एक महिला के साथ क्रूरतापूर्ण सामूहिक बलात्कार भी किया गया। एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस भी शामिल थी। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, जैसा न्यूज़पेपर से हमने पढ़ा वैसा मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी का वीडियो वायरल होने के बाद, जो घटना के महीनों बाद हुआ, सरकार ने कानून व्यवस्था में व्यवधान की चिंता का हवाला देते हुए ट्विटर से वीडियो हटाने को कहा। हालांकि वीडियो प्रसारित होने के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपने एक्शन में आ गई थी। उन्हें बोल दिया कि जल्दी से आप एक्शन लीजिए, भारत सरकार को, मणिपुर सरकार को, कि आप जल्दी से एक्शन लीजिए, नहीं तो हम अपने ढंग से इसमें काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया मणिपुर सरकार को। और देखिए, जब हम बात करते हैं इस वीडियो के वायरल होने की, जब ये घटना 4 मई की थी, तो 19 जुलाई को ये इतना देर क्यों लग गया इसे वायरल होने में? आपको बता दें, ये मई से ही चल रही है, वहाँ वायलेंस चल रही है मणिपुर में, जिसके कारण, दंगों के कारण मणिपुर में इंटरनेट की सुविधा जो थी वहाँ बैन कर दिया गया था, बंद था, जिसके कारण इतने दिनों तक ये वीडियो बाहर नहीं आ पाया। इस इंटरनेट बंद होने से घटना को छुपाने में और ज़्यादा मदद मिल गया। तो ये थी मणिपुर वायरल वीडियो की सच्चाई जो हमने आपको बताया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।